हेलो जी, नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, देख सकते हैं सुबह की मंडी की तैयारी हो चुकी है और आज हमने शाम को कटाई की है गोभी की। गोभी की 5.5 थैली है, देख सकते हैं, बिल्कुल वाइट गोभी है और धनिया इतना है देखो। और धनिए की ये है ना जुट्टी, ये बांध रखी है इस प्रकार से, ठीक है, एकदम से ताज़ा ग्रीन धनिया है। और बैंगन की जो है 4.5 थैली है, 4.5 नहीं 4.5 थैली है। और देखिए बैंगन का कलर भी बहुत ही प्यारा है, एकदम से चमक है। अभी शाम को समरसीबल से धनियों को वॉश करना है और गोभी को वॉश करना है, ठीक है। जो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी निकल जाएगी और सब सुबह जो मंडी में जाएगा बिल्कुल फ्रेश खिले हुए पत्ते आपको नज़र आएंगे। तो समरसीबल अभी स्टार्ट करते हैं गोभी को वॉशिंग करने के लिए, ताकि गोभी के अंदर चमक अच्छी बनी रहे। इस थैली में पानी डाल देकर नीचे से ना सुराख रखे हैं, नीचे से पानी निकलता रहेगा। और ये धनिया की एक एक जुट्टी को धोना पड़ेगा। ये बैंगन है ना, इनको धोने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि धोने के बाद ये थोड़े ख़राब हो जाएंगे। तो अभी गोभी को वॉश कर दिया है और यहाँ पर चल रही है धनिए की वॉशिंग। हाँ जी, क्या कर रहे हो? हम धनिया धोना कर रहे हैं। अच्छा, और आज हमने पहले धनिया काटा, उसके बाद हमने बैंगनी तोड़ी है, फिर गोभी काटी है। अच्छा हाँ, और सब्जी की खेती है ना, इसमें मेहनत बहुत ज्यादा लगा भाई। देख लो कितना टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं भाई। अब सब्जी धोई है सुबह ने इसने, हमारे पापा जी 5 बजे मंडी में लेके जाओगे। तो देख लो भाई, किसान है ना जो सब्जी की खेती करते हैं उसमें ज्यादा एफर्ट लगाने पड़ते हैं। सुबह अर्ली मॉर्निंग जब तक आप उठो नहीं गए, उससे पहले इसको मंडी में पहुंचाना पड़ेगा। और दोपहर को ये कटाई की थी धनियों की, इसकी जुटियां बांधी थी, गोभी की पैकिंग की, बैंगनी की पैकिंग की, और शाम को इसको पानी से धो करके बिल्कुल फ्रेश एकदम से तरोताज़ा जो वेजिटेबल है वो मंडी में पहुँचाई जाएगी, तभी इसका अच्छा भाव मिल पाएगा। और धनिया देख सकते हैं, अपने घर का बीज रहता है ये, और देसी धनिया है, खुशबू बहुत अच्छी है, और जो इसका रंग है ग्रीन वो भी बहुत अच्छा है, और खाने में जो खुशबू मिलती है ना टेस्टी बहुत है। ये कच्चा भी खा सकते हैं, सब्जी में डाल के खा सकते हैं, किसी भी रूप में खा लो। और आपको पता होगा धनिया स्वास्थ्य के लिए बहुत ही अच्छा है, खासकर जिनको थायराइड रहता है, थायराइड के लिए कच्चा धनिया की चटनी बनाकर रोज़ाना सुबह खाली पेट लीजिए। अगर धनिया कच्चा नहीं होता तो आप साबुत धनियों को भिगो करके शाम को भिगो दे, सुबह उसको पानी में उबाल करके उस पानी को पीने से भी थायराइड की, चाहे आपका थायराइड बढ़ा हुआ हो या फिर घटा हुआ हो, दोनों तरह के थायराइड में बहुत ही अच्छा काम करता है धनिया और स्वास्थ्य को बहुत ही फायदा पहुंचाता है। हाँ जी, और कुछ कहना चाहोगे आप? देखो सब्जी की जो खेती हो ना, उसमें ना एक जना काटनिया हो, एक जना बांधनिया हो, एक जना सांपनिया हो, इस सब्जी खेती में कितने जने काम कर दे उतने थोड़े हो गए। हमारी फैमिली में कम से कम 1300 जने है, तो भी कम पड़ जाते कभी कभी, इसलिए कह रहे कि सब्जी खेती में बहुत मेहनत लगती है। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको कैसी लगी वीडियो? अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।